बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास इन अवर स्कूल नॉर्थ स्टडी पब्लिक सेकेंडरी स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज। बेटा, मैं तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करती हूँ आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में, जो कि क्लास मॉन सीनियर के लिए दी जा रही है। सो मॉन सीनियर क्लास आज आप लोग को जो ऑनलाइन सब्जेक्ट टीच करने जा रही हूँ मैं, वो है कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन का लेक्चर नंबर 12 मैं आज आप लोग को डिलीवर करने जा रही हूँ। सो बेटा, मैं आप लोग को आज बताती हूँ कि मैं आज आप लोग को लेक्चर नंबर 12 में क्या रिवाइज करवाने जा रही हूँ। बेसिकली हमारा, आप लोग को याद होगा, रिवीजन चल रहा था, हम लोग रिवीजन कर रहे थे अपने कॉन्वर्सेशन का। यहाँ पर भी मैं आप लोग का रिवीजन करवाऊंगी यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हमने कहाँ तक बेटा पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था, मैं आप लोग को बता देती हूँ, हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 5 और 6 तक हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग वहीं से ही कंटिन्यू करेंगे, मैं इसके आगे का आप लोग को रिवीजन करवाऊंगी। आज जो बेसिकली मैं आप लोग को रिवीजन करवाने जा रही हूँ, मैं आप लोग को ये बात नहीं बताऊंगी कि मैं कौन से क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ। पहले तो बेटा आप लोग देखिए, आप पहचानिए कि मैंने आप लोग को कौन से क्वेश्चन के लर्न करवाए थे, जिनसे रिलेटेड ये पिक्चर आप लोग को अभी स्लाइड पे मेंशन है और नजर आ रही है। यहाँ पर ये मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा चुकी हूँ उन्हीं की ये पिक्चर्स आप लोगों को नजर आ रही होंगी, मेरी स्लाइड पे मेंशन है। ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ बेटा, ये पिक्चर्स जो है मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ पहले भी। आज बेसिकली मैं आप लोगों को करवाने जा रही हूँ रिवीजन क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का रिवीजन करेंगे आज हम अपने इस ऑनलाइन लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में। 5 और 6 का मैंने बेटा आप लोगों को लेक्चर नंबर 11 में रिवीजन इसका करा दिया था। अब मैं इसी के आगे से कंटिन्यू कर रही हूँ, लेक्चर नंबर 12 में मैं आप लोगों का रिवीजन करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमने क्या पढ़ा था, आज हम क्या रिवीजन करने जा रहे हैं। बेसिकली हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो क्या था, व्हाट इज योर पेरेंट्स फोन नंबर, क्या था बेटा, व्हाट इज योर पेरेंट्स फोन नंबर, जिसका मतलब क्या है कि आपके पेरेंट्स का, आपके वालदैन का फोन नंबर क्या है। व्हाट इज योर पेरेंट्स फोन नंबर, क्या आपके वालदैन का आप पर क्या है। तो ये बेसिकली आप लोगों ने लर्न करना था, जो कि मैं पहले आप लोगों को लर्न करवा चुकी थी। आज हम लोग दोबारा से रिवीजन करेंगे कि मैंने आप लोगों को क्या तरीका बताया था पेरेंट्स फोन नंबर लर्न करने का। मैं अगेन आप लोगों को रिवीजन करा दूंगी इसका, कि किस तरीके से आप लोग अपने मम्मा पापा का नंबर याद कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे सब पोजिशन में एक नंबर रख लिया, उससे हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। लेकिन ये याद हमें नहीं करना, ठीक है बेटा, हमें याद करना है अपने मम्मा पापा का नंबर। तो यहाँ पर हम क्या आंसर देंगे, सबसे पहले तो ये देखिए बेटा, जो हम लोग आंसर देंगे वो है माय पेरेंट्स फोन नंबर इज, माय पेरेंट्स फोन नंबर इज, माय पेरेंट्स फोन नंबर इज। अब मैं आप लोगों को नंबर पढ़ाने जा रही हूँ, क्या नंबर लिखा हुआ है, 0345 26 99 897, 26 99 897, 0345 26 99 897, 26 99 897, 0345 26 99 897। तो बेसिकली हमने ये लर्न कर लेना है, पेरेंट्स फोन नंबर भी हम इस तरीके से लर्न करेंगे जिस तरीके से मैं आप लोग को ये नंबर लर्न करवा रही हूँ। आप लोगों ने भी इस तरीके से अपना पेरेंट्स फोन नंबर बेटा लर्न कर लेना है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज योर पेरेंट्स फोन नंबर, व्हाट इज योर पेरेंट्स फोन नंबर, इसका आंसर क्या होगा, माय पेरेंट्स फोन नंबर इज, माय पेरेंट्स फोन नंबर इज। इसके बाद आप लोग बोल देंगे नंबर, नंबर आप लोगों को नजर आ रहा होगा बेटा, मेरी स्लाइड में मेंशन है, माय पेरेंट्स फोन नंबर इज, माय पेरेंट्स फोन नंबर इज। इसके बाद लर्न कर लेंगे अपने पेरेंट्स का फोन नंबर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे टीचर ने आप लोगों को बताया किस तरीके से हम लोगों ने अपना पेरेंट्स फोन नंबर जो है वो लर्न करना है। पहले अपने 4-डिजिट कोड को लर्न कर लेना है, जो कि लिखा हुआ है 0345। इसके बाद लर्न करेंगे 2 नंबर्स 2 6, उसके बाद अगेन 2 नंबर्स 2 6 99, उसके बाद 3 नंबर 6 7 8 9 7, 2 6 99 8 9 7, 2 6 99 8 9 7।
बेटा इस तरीके से आप लोग लर्न कर लेंगे अपने पेरेंट्स फोन नंबर को, ठीक है बेटा, ताकि कोई भी इमरजेंसी हो, कभी अल्लाह ना करे कोई वाकया पेश आए आपके साथ, तो आप लोग को अपने पेरेंट्स फोन नंबर लर्न हो। बेटा वैसे भी आप लोग को अपने पेरेंट्स फोन नंबर बहुत अच्छे से लर्न करना है और याद होना भी चाहिए आप लोग को, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आप लोगों ने जिस तरीके से टीचर ने आप लोग को लर्न करवाया, आप लोगों ने भी सेम उसी तरीके से जो है लर्न कर लेना है अपना एक्चुअल पेरेंट्स फोन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो रिवीजन करवाया है वो करवाया है क्वेश्चन नंबर 7 का, जो कि आप लोगों को स्लाइड में इसकी पिक्चर नजर आ रही होगी बेटा। तो अब मैं करवाने जा रही हूँ आप लोगों को मॉन्ट सीनियर क्लास क्वेश्चन नंबर 8 का रिवीजन। क्या करवाने जा रही हूँ? क्वेश्चन नंबर 8 का रिवीजन। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे मेरे पास जो मेंशन है वो क्या है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जो मैं आप लोग को रिवीजन कराऊंगी? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, What is your favorite sport? What is your favorite sport? इसकी मीनिंग क्या है कि फेवरेट स्पोर्ट आपका पसंदीदा खेल, आप लोग को गेम्स बताने फेवरेट स्पोर्ट, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 8 का रिवीजन करना है। आप लोग को ये पिक्चर्स नजर आ रही होंगी यहाँ पे, आप देख सकते हैं फेवरेट स्पोर्ट से रिलेटेड। तो बेटा फेवरेट स्पोर्ट जो बेसिकली हमारे हैं वो कौन कौन से हमने लर्न करे थे? 3 जो है फेवरेट स्पोर्ट मैंने आप लोगों को लर्न करवाए थे, वो कौन कौन से थे? द फर्स्ट वन इज क्रिकेट, द सेकंड वन इज हॉकी एंड द थर्ड वन इज बास्केटबॉल। द फर्स्ट वन इज क्रिकेट, द सेकेंड वन इज हॉकी एंड द थर्ड वन इज बास्केटबॉल। अगेन पढ़ा रही हूँ, द फर्स्ट वन इज क्रिकेट, द सेकेंड वन इज हॉकी एंड द थर्ड वन इज बास्केटबॉल। तो बेटा ये आप लोगों ने अच्छी तरीके से जो है इसका रिविजन करना है। यहाँ पे ये मेंशन है मेरे गेम्स, आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स मेंशन है, इनकी पिक्चर आप लोगों को नजर आ रही होंगी। सबसे पहले हमारी ऊपर जो पिक्चर नजर आ रही है वो है क्रिकेट की, इसी के नीचे बास्केटबॉल और इसी के बराबर में हॉकी आपको नजर आ रहा होगा बेटा। गेम इस तरीके से हम हॉकी खेलते हैं और हॉकी का नेम भी मेंशन है यहाँ पे। तो ये हमारे फेवरेट स्पोर्ट थे जिनके 3 नाम थे, क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी, ठीक है क्रिकेट। अब मेरे साथ मिलकर पढ़िए आंसर इसका, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल। तो बेटा आज जो हम लोग लर्न कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। 7 एंड 8 का यूनिट नंबर 1 का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, जो कि हमारा टॉपिक जो था वो बेटा क्या था? माय फैमिली था, ठीक है। तो इसमें हम लोग ने लर्न कर लेना है, व्हाट इज योर पेरेंट्स फोन नंबर, पेरेंट्स फोन नंबर लर्न करना है। इसका आंसर आप लोग किस तरीके से लर्न करेंगे अगेन बता देती हूँ मैं। माय पेरेंट्स फोन नंबर इज डैश, डैश में आप लोग ने लर्न कर लेना है अपने मामा पापा का नंबर। किस तरीके से? पहले कोड लर्न करेंगे 0345, फिर 2 नंबर्स 26, फिर अगेन 2 नंबर 99, फिर 3 नंबर्स आखिर के लास्ट के 897। 0345 26 99 897 इस तरीके से आप लोगों ने लर्न करना है। और पूरा आंसर जो फिर उसके बाद लर्न करेंगे तो आंसर क्या देंगे मैं आप लोगों को बता देती हूँ इस नंबर के थ्रू। माई पेरेंट्स फोन नंबर इज 0345 26 99 897। इस तरीके से पूरा कंप्लीट आंसर जो है आप लोगों ने लर्न करना है और आंसर देना है, ठीक है बेटा। और क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों ने किस तरीके से आंसर देना है मैं आप लोगों को अगेन बता देती हूँ। व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट? आपसे अगर कोई भी आपका फ्रेंड और कोई भी पूछता है कि आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है, तो आपने किस तरीके से आंसर देना है? क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल।
सो बेटा हमने आज रिवीजन करा यूनिट नंबर 1 का माय फैमिली का। लास्ट क्वेश्चन थे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 और 8, इनका हमने रिवीजन करा आज के अपने इस ऑनलाइन लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में। सो बेटा अब हम जब लेक्चर नंबर 13 कवर करेंगे तो उसमें हम रिवीजन करेंगे अपने यूनिट नंबर 2 का। यूनिट नंबर 2 के माई सेल्फ का हमारा रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आज का जो बेटा मैं आप लोग को होमवर्क बता देती हूँ, आज के बेसिकली आप लोग का होमवर्क क्या है, आज का जो होमवर्क है आप लोग देख सकते हैं मेरी स्लाइड पे मेंशन है। आज का आप लोग का होमवर्क भी यही है कि आप लोगों ने रिवाइज करना है क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 यूनिट नंबर 1 का कॉन्वर्सेशन सिलेबस से। ये आपके सिलेबस में मौजूद है दोनों क्वेश्चन, पेज नंबर 13 पे मैं आप लोग को शो कर देती हूँ। मॉनसीनियर क्लास ये मेरे पास आप लोग का सिलेबस मौजूद है, इसका पेज नंबर 13 मैं ओपन कर लेती हूँ। पेज नंबर 13 आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, पेज नंबर 13 है ये हमारा, इसका ये देख सकते हैं लास्ट के हमारे टॉपिक के माय फैमिली के लास्ट के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज योर पेरेंट्स फोन नंबर, माय पेरेंट्स फोन नंबर इज डैश डैश में अपना पेरेंट्स का फोन नंबर लिखेंगे और उसको लर्न करेंगे पूरे आंसर को। व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल। तो बेटा ये आप लोगों ने अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है, अगर लर्न है तो रिविजन कर लीजिएगा इसका आप लोग, ठीक है। तो यही आज आप लोग का होमवर्क है। तो बेटा यहाँ पे मेरा लेक्चर होता है लेक्चर नंबर 12 फिनिश। इसी के साथ साथ सबसे पहले मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद मैं हाई स्टैंडर्ड स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज के अलावा टाइम रोटेशन कंपनी जो किस नाम होते मौजूद है इसकी भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। इन सब की बदौलत हम लोग आप तक अपनी ऑनलाइन लेक्चर से इसको पहुँचा सक रहे हैं। So we high star in our study group of school and girls college are extremely thankful to Almighty Farsi and Time Publication Company Islamabad for this academic collaboration which bring these quality on our lecture series. तो बेटा यहाँ पे ये मेरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 12 जो होता है वो फिनिश होता है। मैं आप से चाहती हूँ इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।